अयोध्या विवाद को लेकर मोदी सरकार ने याचिका दाखिल कर वीएचपी समेत कई साधु संतों को तो खुश कर दिया, लेकिन इससे विपक्ष का गुस्सा भड़क उठा है। तमाम दल इस याचिका की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो भी अयोध्या विवाद को लेकर मोदी सरकार पर भड़क उठी हैं, यहां तक कि उन्होंने तो इसे सपा बसपा गठबंधन से ही जोड़ दिया। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे के सहारे ही सत्ता हासिल करती आई है, मगर अब यही एजेंडा उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर सहयोगी दलों के साथ आरएसएस और साधु संत उस पर दबाव बना रहे हैं। गुस्से का ये ज्वार मोदी सरकार की जड़ों को हिला सकता है, इसलिए अब चुनाव से ऐन वक्त पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विवादित भूमि को छोड़ बाकी हिस्से को न्यास बोर्ड को देने की मांग की है। सरकार की इस याचिका को लेकर सभी दल टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। जहां कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नई आप डूब चुकी है, उसका झूठ सबके सामने है। बीजेपी ने चुनाव से पहले नारे लगाए थे कि मंदिर वहीं बनवाएंगे, लेकिन अब तक बीजेपी काम को आगे नहीं बढ़ा पाई, इसलिए लोग उसके खिलाफ हैं। इसी गुस्से से बचने के लिए बीजेपी अब राम राग अलाप रही है। इतना ही नहीं, मायावती ने याचिका को सपा बसपा के गठबंधन से जोड़ते हुए कहा कि सरकार को हमारी दोस्ती का डर सता रहा है, इसलिए अब वो फिर से राम राग अलाप रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को ही मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सरकार का कहना है कि वह जमीन के विवादित हिस्से को छोड़कर बाकी जमीन राम जन्मभूमि न्यास को दे दे, ताकि राम मंदिर की योजना पर काम किया जा सके। डीबी लाइव की रिपोर्ट।